नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको एक बहुत ही सुंदर गले का डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मैं आपको सबसे पहले मटेरियल बताना चाहूँगा कि हमें डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा। ये मैंने कमीज का फ्रंट लिया हुआ है जिसमें हम डिजाइनिंग करेंगे, और ये मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया हुआ है जिसमें कि मैंने रेब की पट्टियाँ कटिंग की हुई है। इनसे हम फ्रिल बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी गले की शेप होगी वो इस प्रकार की होगी। यहाँ पे ऊपर की साइड हमारा पैच आएगा और यहाँ पे भी हम एक डिजाइनिंग करेंगे एक साइड, और यहाँ पे हमारा बोट शेप नेक आएगा। और जो हमारी बाहर वाली ये बाउंड्री आती है इसमें हम यहाँ पे इस कलर से फ्रिल बनाएंगे। यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे और इस साइड पाइपिंग या कुछ भी जो डिजाइन बनाएंगे उस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये मैंने बुकरम ली है जिसमें से हम इसी शेप का नेक कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है इसको नाप लेते हैं कि कितना हमें लंबाई चौड़ाई वाला नेक चाहिएगा। यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे गला है हमारा ब्रॉड 8 इंच और डीप है हमारा 4 इंच। तो इसी शेप का हम राउंड नेक कटिंग करेंगे और फिर एक्स्ट्रा जो ये निशान लगे हुए हैं इसी प्रकार का गला कट करेंगे। सबसे पहले हम जो बुकरम लिए है, बुकरम हमने लेनी है तकरीबन ये है हमारी 11 11.5 इंच चौड़ाई वाली, और यहाँ पे हमें ब्रॉड लेंथ जैसे रखनी है वो रखनी है 8 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। डीप रखनी है 4.25 इंच, तो यहाँ पे हम 4.25 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम एक राउंड शेप इस प्रकार देते हुए निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हमने ये जो नीचे का निशान है एक्स्ट्रा इसको लगाना है। यहाँ पे देखेंगे हम ऐसे, ये है 1.25 इंच, तो यहाँ पे 1.25 पे इस प्रकार निशान लगाएंगे। और साइड में तकरीबन आप 1.5 से 1.25 इंच यहाँ पे रख सकते हो। इसी शेप में हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारे ये निशान कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं निशान के ऊपर हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारी गले की कटिंग होगी वो इस प्रकार की आएगी। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से जैसे मैंने निशान लगाया हुआ है यहाँ पे, इसी तरीके का यहाँ पे एक कट डाल लेंगे। आप किसी भी साइड लगा सकते हो, इस साइड भी लगा सकते हो, इस साइड भी, जहाँ पे आपको सही लगता हो उस प्रकार से आप यहाँ पे कट लगा सकते हो। इस प्रकार मैंने ये निशान लगाया है और यहाँ से हमने 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे कट लगाना है। और कट की जो हमारी इस प्रकार ब्रॉड लेंथ होगी वो तकरीबन हमारी एक पैर की होनी चाहिए, जो मशीन का एक पैर होता है जितना चौड़ाई वाला, उतनी चौड़ाई से हमने यहाँ पे एक कट लगाना है इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, जो हमारा बुकरम वाला पीस होगा, ये जो गला होगा इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। यह हमारा गला पेस्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार 1/2 से 1/4 इंच कटिंग कर लेनी है। और जो ये बाहर वाला हमारा कपड़ा होगा ये हम बुकरम के ऊपर इस प्रकार यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद गला हमारा इस प्रकार नजर आएगा। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है गला बनाने के लिए,
जो हमारा कमीज का फ्रंट होगा उसको हम उल्टी साइड ऊपर की साइड रखते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे जो हमने बुकरम का गला कटिंग किया है दोनों के हमने सेंटर बना लेना है, कमीज का भी और अपने उस गले का भी। ऊपर नीचे से सेंटर बनाते हुए हम यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। प्रकार सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गोलाई में कटिंग करनी है। और जहाँ पे हमारा एक कट आता है वहाँ पे भी हम बिल्कुल सेंटर से कट करते हैं। पूरे गले में गोलाई वाली जगह पे इस प्रकार कट लगाते हैं। अब हम गले को इस प्रकार नोक निकालते हुए बाहर की साइड फोल्ड कर लेते हैं। सीधी साइड हमारा गला इस शेप में नजर आएगा ऐसे। यहाँ पे हम सुई की मदद से ये नोक निकाल लेते हैं। पलटने के बाद गला हमारा इस प्रकार तैयार हो जाता है। ये मैंने प्रेस से अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे फ्रिल लगानी है। सबसे पहले हम फ्रिल बनाएंगे फिर यहाँ पे लगाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी आपको, उन पट्टी में हम ज्वाइंट लगा लेते हैं ताकि हमारी लंबाई पूरी बढ़ जाए। और पट्टी की मैं चौड़ाई भी आपको बताना चाहूँगा। ये पट्टी फ्रिल के लिए हम रेब की पट्टी कटिंग करते हैं और 3 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी कटिंग करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रेब वाली ही पट्टी हमारी बिल्कुल बहुत ही सुंदर फ्रिल आएगी रेब वाली पट्टी की। अगर हम सीधी या आडी पट्टी लेंगे तो उसकी फ्रिल इतनी सुंदर नहीं आ पाती। तो 3 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। इस पट्टी को हम इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेते हैं ऐसे इस तरीके से। और एक साइड से हम आधा से 1.25 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे इस तरीके की चुन्नटें डालेंगे। जैसे हमने 1 इंच का गैप रखते हुए दोनों साइड से कपड़ा इस प्रकार पकड़ते हुए यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। फिर दोबारा से ऐसे ही करना है। यहाँ पे हल्की हल्की चुन्नटें डल जाएंगी। इन चुन्नटों को आप प्लेट भी बोल सकते हो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सभी प्लेट डाल के फ्रिल तैयार की है, आगे की भी हम जितनी भी हमारी पट्टी बचती है पूरी पट्टी में इसी प्रकार की फ्रिल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने ये पूरी अपनी फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमने कमीज का फ्रंट इस प्रकार रखना है और एक साइड से फ्रिल को लगाना स्टार्ट करना है। हम इस साइड से करेंगे तो यहाँ पर हमें फ्रिल को पूरा जहाँ तक हमारी सिलाई होगी वहाँ तक दबा के चलना है इस तरीके से। और जितना भी हमारा बाहर हिस्सा रहेगा वो बराबर रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
प्रकार हमने यहाँ पे अपनी पूरे गले के बाउंड्री पे यहाँ पे फ्रिल कंप्लीट की है। फ्रिल तैयार करने के बाद अब हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे पूरे कट में इस तरीके से लगाएंगे। ये कट का मैंने गैप इसीलिए इतना छोटा था जिसमें कि हमारी यहाँ पे पाइपिंग तैयार आएगी। ये पाइपिंग मैंने तैयार की हुई है। एक साइड हमारी पक्की लप होगी जिधर धागे नहीं निकलते, वो हमें नीचे की साइड रखनी होती है, और एक साइड हमारी ये इस प्रकार से होती है। ये हमने कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, जिससे कि हमारी ये पक्की पाइपिंग बोली जाती है। यहाँ पे हम इसको नीचे की साइड इस प्रकार रखेंगे और गले के साथ साथ इस प्रकार रखते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम पाइपिंग कटिंग कर देते हैं नीचे से इस प्रकार थोड़ी छोड़ते हुए, और दूसरी साइड यहाँ पे कट में नीचे की साइड रखते हुए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कट में यहाँ पे हमारी गोलाई नहीं बनेगी, इसलिए जहाँ पे गोलाई नहीं बनती उस कट में हम यहाँ पे कटिंग करके दोबारा से पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग कंप्लीट की है। पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद ऊपर का हिस्सा हमारा इस प्रकार नजर आएगा और नीचे का हिस्सा हमारा इस तरीके से नजर आएगा। अगर हम रेब की पाइपिंग लगाते हैं तो रेब की पाइपिंग हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बैठ जाती है। अब हम यहाँ पे एक डोरी का हल्का सा फ्लावर इस तरीके से बना के लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं या कुछ भी डोरी से किसी भी तरीके की डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से हमारा ये नेक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।